नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज आ रही है टीजीटी पीजीटी के छात्रों के लिए, और जैसा कि आपको मालूम है कि चयन आयोग की बैठक चली थी, कल भी हुई थी बैठक, आज भी हुई है, अभी कल भी ये कंटिन्यू रहेगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आज की बैठक में क्लियर हो गई हैं। जैसे कि पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लियर हुई है, वो नई शिक्षक भर्ती आ रही है, क्योंकि 3900 की शिक्षक भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की आ रही है उच्चतर शिक्षा आयोग की तरफ से। तो उसी को देखते हुए एक आम राय बन रही है आज की मीटिंग में, बनी है आज की मीटिंग में, कि टीजीटी पीजीटी की भी 2-3 महीने के अंदर नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। तो 2-3 महीना लगेगा, आपको ये विज्ञापन मिल जाएगा। पदों की संख्या कितनी होगी उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, और पदों की संख्या बस इतना बताया जा सकता है आपको कि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। और आप सबको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, तो कितने पदों का अध्याचन आता है और कितने पद जारी किए जाते हैं वो तो समय ही बताएगा। दूसरी जो एक अच्छी न्यूज और है कि टीजीटी पीजीटी के छात्रों को कॉलेज अलाटमेंट की भी घोषणा हो सकती है कल, क्योंकि इस पर भी एक आम सहमति बन गई है, और सहमति ये बनी है कि 15 जुलाई तक इसकी घोषणा कर दी जाए। 15 जुलाई तक, क्या 15 जुलाई को इसकी घोषणा कर दी जाए। तो जिन छात्रों का चयन हुआ है उनको 15 जुलाई तक कॉलेज मिल सकता है। और जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इंटरव्यू की डेट घोषित होनी थी वो भी 27 या 28 जुलाई को इंटरव्यू शुरू हो सकता है आपका। तो ये खबरें निकल कर आ रही हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें आज की मीटिंग से निकल के आ रही हैं, और मीटिंग जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पर अभी कल भी चर्चा होगी, लेकिन ऑलमोस्ट ये तीनों चीज़ें फाइनल हैं और इसकी घोषणा कल कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, आज की मीटिंग की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ, इस तरह की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी।